वेलकम टू श्रीजी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे घर पे मेंदू वड़ा। जैसा रेस्टोरेंट में मेंदू वड़ा मिलता है, सेम वैसा ही ऊपर से क्रिस्पी और खाने में सॉफ्ट मेंदू वड़ा घर पे हम आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे किस तरह से बनाना है वो देख लेते हैं। मेंदू वड़ा बनाने के लिए मैंने 1 कप उड़द की दाल ली थी, ग्राम में 200 ग्राम। ये उड़द की दाल है जिसे मैंने 2 बार पानी से वॉश करके 7 से 8 घंटा पहले भिगो के रखा था। तो दाल अच्छी तरह से भीग कर रेडी हो चुकी है। अब ये पानी मैं निकाल लेती हूँ और दाल को एक बार में साफ पानी से वॉश कर लेती हूँ। अब जो दाल चावल क्रश करने के लिए मिक्सी का जो हम मीडियम साइज का जार यूज करते हैं वही मैंने लिया है, उसमें हम ये आधी दाल ऐड कर देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो पानी बहुत ही कम इसमें ऐड करना है। तो लगभग 1 चम्मच जितना पानी मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। पानी कभी भी इसमें ज़्यादा ऐड ना करें क्योंकि हमें इसका बैटर ठीक चाहिए। तो जब ये थोड़ा क्रश हो जाए उसके बाद इसका ढक्कन खोल ले और दाल को एक बार मिक्स कर ले। फिर से इसे हम ग्राइंड करेंगे, लेकिन पानी ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही कम पानी यूज़ करके हमें इसे ग्राइंड करना है, तभी उसका परफेक्ट बैटर बनता है। दाल ग्राइंड हो चुकी है। इसे निकालने के लिए हो सके तो बड़ा बर्तन यूज़ करें क्योंकि दाल को हमें आगे फैटना भी होता है। तो इस तरह का गाढ़ा बैटर मैंने बनाया है। बाकी की जो दाल बची है उसे भी हम मिक्सी जार में ले लेंगे और इस बर्तन में अभी 1 से 2 चम्मच जितना पानी दाल के साथ है, तो मैं ऊपर से दूसरा पानी ऐड नहीं कर रही। इसी दाल के पानी में ये ग्राइंड हो जाता है। ढक्कन बंद कर दे और इसे भी इसी तरह से थिक बैटर में ग्राइंड कर ले। थोड़ा सा ग्राइंड होने के बाद ढक्कन खोल के उसे मिक्स कर ले ताकि दाल का एक भी दाने जैसा ना रहे और वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बैटर पतला ना हो उस बात का खास ध्यान रखें। ये भी ग्राइंड हो चुका है। ये एकदम थिक होता है तो जितना हो सके उतना पहले चम्मच या स्पैचुला से निकाल ले और उसके बाद हाथ से पूरे मिक्सी में से जो भी बैटर बचा है उसे निकाल लेना है। अब जो इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है उसे परफेक्ट बनाने के लिए वो है चावल। ये जो ब्रोकन राइस आते हैं छोटे वाले जिसे कनकी भी बोलते हैं वो मैंने लिया है। आप चाहे तो चावल भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों के प्राइस में भी डिफरेंस होता है और इसे हमें ग्राइंड ही करना है। तो आप पूरे चावल ले, उससे अच्छा है कि आप ब्रोकन राइस ले, तो प्राइस में भी फर्क पड़ता है और उसका टेक्सचर भी अच्छा हमें मिल जाता है, जैसा चाहिए वैसा। इसे मैं चटनी जार में ग्राइंड कर रही हूँ क्योंकि अभी क्वांटिटी कम है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं तो पहले जो हमने बड़ा वाला मिक्सी जार यूज़ किया दाल क्रश करने के लिए, उसमें पहले आप चावल क्रश कर ले और उसके बाद उड़द की दाल क्रश करें। ये भी थोड़ा ग्राइंड हो उसके बाद आपको चम्मच से इसे ऊपर नीचे थोड़ा कर लेना है ताकि इसका इवन टेक्स्चर हमें मिले। फिर से इसे ग्राइंड करें। जो मार्केट में रेडी चावल का आटा मिलता है वो हमें यूज़ नहीं करना क्योंकि उसका एकदम बारीक टेक्सचर होता है और हमें इसका थोड़ा कोर्स जैसा टेक्सचर चाहिए, जैसा बारीक सूजी जो मिलता है उस तरह का, या उससे भी थोड़ा बारीक आप बोल सकते हैं सूजी से, उस तरह का इसका अभी टेक्सचर है। तो हमेशा उसे मिक्सी में ही ग्राइंड करके यूज़ करें। इसे मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। तो उड़द की दाल भी ग्राइंड होकर रेडी है और चावल का आटा भी रेडी है। अब जो भी प्लेट में आप मेदू वड़ा निकालोगे उसमें आप पहले इस तरह से पेपर नैपकिन लगा दे और साथ ही में ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दे। तो ऑयल को भी आपको मीडियम फ्लेम पे अभी गर्म करने के लिए रखना है। अब ये बैटर को मेदू वड़ा बनाने से पहले हमें फैटना होता है ताकि उसमें एरेशन हो, और एरेशन होने की वजह से ही जो मेदू वड़ा अंदर से फ्लफी या खाने में जो सॉफ्ट बनता है उसी से वो बनता है। तो इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में उसे आप फैटते जाए, और इसीलिए मैंने बताया था कि हो सके तो इस तरह का बड़ा बर्तन ले तो आपको आसानी रहेगी।
इतनी क्वांटिटी के बैटर को फैटने में अराउंड 5 मिनट जितना समय लग जाता है। जितना उसे फैटोगे उतना उसमें एरेशन होगा और खाने में बहुत ही बढ़िया बनेगा। ये रेडी है कि नहीं वो चेक करने के लिए कटोरी में सादा पानी ले ले, उसमें थोड़ा सा बैटर ऐड करे। बैटर अगर अंदर डूब जाता है तो समझे कि आपको उसे और फैटने की ज़रूरत है, और इस तरह से ऊपर तैरता है तो समझ लेना कि वो बैटर बनकर परफेक्ट रेडी है। अभी हम बाकी की चीज़ें और ऐड करके उसे और भी फैटेंगे 1-2 मिनट। तो इस टाइम पे हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो जो चावल का आटा हमने लिया है वो ले लेंगे, नमक लेंगे, और बाकी का इसमें जो धनिया मिर्ची करी पत्ता जो भी ऐड करेंगे वो भी आगे ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करें, मैंने 1/2 टीस्पून जितना लिया है, स्वाद अनुसार ऐड करें आप। जो चावल का आटा हमने रेडी किया है वो पहले मैं 3 चम्मच जितना ऐड कर देती हूँ। कटी हुई हरी मिर्च एक ली है मैंने, धनिया बारीक चॉप करके लिया है थोड़ा सा, जो ऑनियन खाते हैं वो ऑनियन भी बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं। करी पत्ता लिया है जिसे वॉश करके चॉप कर लेना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले इस तरह से। ये बैटर थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा है फैटने के बाद, तो और थोड़ा मैं चावल का आटा इसमें ऐड कर देती हूँ। आप वड़ा बना सको उस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इतनी क्वांटिटी में मैंने टोटल 6 चम्मच चावल का आटा यूज़ किया है। जब तक तेल गर्म होता है तब तक इसे फैटते जाए। वड़ा बनाने से पहले हमें इसमें इनो ऐड करना है, तो जो ब्लू बॉटल में इनो आता है वो हमें लेना है, और 1/2 टीस्पून ही इनो हमें इसमें ऐड करना है। आप देख सकते हैं मैंने छोटा वाला चम्मच यूज़ किया है। अगर इनो ज़्यादा ऐड करोगे तो भी इसमें ऑयल आ जाता है, तो मेज़रमेंट का खास ध्यान रखें। इनो को अच्छी तरह से बैटर में मिक्स कर लेना है। अब ऑयल गरम हुआ है कि नहीं वो भी चेक कर लेंगे। तो स्टीम तो तेल के ऊपर से आ रही है लेकिन चेक भी कर लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा बैटर ऐड करें, वो धीरे से ऊपर आए तो समझना कि ऑयल परफेक्ट रेडी है। आप बैटर उसमें डालो और तुरंत ही ऊपर आए तो समझ लेना कि तेल ज़्यादा गर्म हो गया है। तो उसे 20 से 30 सेकंड के लिए थोड़ा ठंडा होने दें। अब एक बड़े बॉल में मैंने सादा पानी ले लिया है। अब दोनों हाथ हम पानी से इस तरह से भिगा देंगे। सबसे पहली मेथड मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से थोड़ा बैटर लेके दोनों हाथों में इस तरह से घुमा ले, इससे इसका ऊपर का लेयर स्मूथ हो जाता है। दोनों हाथों में घुमाने से एक टिक्की जैसा राउंड शेप बनाना है। उंगली को पानी में भिगो के इस तरह से होल जैसा बना ले सेंटर में, और इस तरह से डायरेक्ट उसे तेल में ऐड करे। कभी भी वड़ा हाइट से ऐड ना करें, नहीं तो तेल के छींटे आपके ऊपर उड़ेंगे। तो पहली मेथड हो चुकी है। अब दूसरे के लिए इस तरह का स्पैचुला जो पराठा पकाने के लिए यूज़ करते हैं उसे पानी वाला कर ले, उसके ऊपर बैटर रखे इस तरह से और टिक्की जैसा बना ले। अभी मैं आपको मीडियम साइज के वड़े बता रही हूँ। इस तरह से सेंटर में होल कर देना है, डायरेक्ट ही तेल में ऐड करना है। अब तीसरी मेथड के लिए हमें चाहिए एक प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग के ऊपर थोड़ा सा पानी लगा दे। जो भी मेथड से आप वड़ा बना रहे हो पानी तो यूज़ करना ही पड़ेगा। टिक्की जैसा शेप बना लेना है पहले, ज़्यादा पतला भी नहीं और थिक भी नहीं, उस तरह का मैंने इसका थिकनेस रखा है, और डायरेक्ट तेल में ही इस तरह से रख देना है। अब चौथे मेथड के लिए मैंने लिया है कॉटन का रुमाल और एक कटोरी ली है छोटी वाली। रुमाल को इस तरह से कटोरी के ऊपर आप रख दे और इस तरह से टाइट पकड़ ले। रुमाल के ऊपर थोड़ा सा पानी लगा दे ताकि वो गीला हो जाए। बैटर रख दे इसके ऊपर। सेम उसी तरह से टिक्की जैसा बना लेना है आपको, और फिर सेंटर में एक होल कर देना है। डायरेक्ट तेल में ही ऐसा वड़ा रख देना है आपको। अब लास्ट वाला मेथड बता रही हूं। उससे पहले वड़ा जो फ्राई होता है उसे भी आपको टर्न करते रहना है,
और अभी मीडियम गैस पे मैं वड़ा फ्राई कर रही हूँ। इस तरह का स्ट्रेनर या छन्नी ले ले, जो हम चाय या दूध छानने के लिए यूज करते हैं, उसके ऊपर पानी लगा दे। थोड़ा सा बैटर उसके ऊपर रखे। पानी वाली उंगली करके सेंटर में एक होल बना दे। डायरेक्ट तेल में रख दे इसे। तो आपको 5 में से जो भी मेथड इजी लगे या कन्वीनियंट लगे, उस मेथड से आप वड़े बनाए। अभी से मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। कभी भी वड़े को हाई फ्लेम पे फ्राई ना करें, नहीं तो वो ऊपर से आपको लाल लगेगा और जब खाओगे तो अंदर से कच्चा लगेगा। और अगर स्लो फ्लेम पे इसे फ्राई करोगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ऑयल भर जाता है। तो गैस की फ्लेम का, ऑयल के टेम्परेचर का भी खास आपको ध्यान रखना है। थोड़ी थोड़ी देर में इसे पलटाते रहना है ताकि दोनों साइड से हमें इसका इवन कलर मिले। तो इसका बैटर बनाने में, इसे फैटने में और फिर उसे फ्राई करने में और गैस का टेम्परेचर, ये 3-4 बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपका मेदू वड़ा भी एकदम परफेक्ट बनेगा। जो वड़ा फ्राई हो चुका है उसे मैं निकाल लेती हूँ। मैं नज़दीक से भी आपको इसे बताती हूँ कि ये वड़ा एकदम ड्राई है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। जो अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट और बताया उन टिप्स का ध्यान रखोगे तो आपका वड़ा भी एकदम इस तरह से ऑयल फ्री या ड्राई बनेगा। इसी तरह से बाकी का जो बैटर बचा है उसे भी मैं इसी तरह से वड़े बना के यूज़ कर लेती हूँ। कभी भी बैटर में इनो रख के हमें रहने नहीं देना है। तो ये वड़ा थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद कैसा बना है वो भी बताती हूँ। ये वड़ा थोड़ा ठंडा हो चुका है तो अब इसका टेक्सचर भी आपको बताती हूँ मैं। तो सबसे पहले इसका आउटर लेयर देख ले, एकदम क्रिस्पी बना है। और अब इसका अंदर का टेक्सचर भी देख लेते हैं। तो ये अंदर से एकदम सॉफ्ट बनता है। नज़दीक से भी मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह का परफेक्ट मेदू वड़ा होना चाहिए, अंदर से सॉफ्ट और उसका आउटर लेयर क्रिस्पी होना चाहिए। अब हमारा मेदू वड़ा सर्विंग के लिए रेडी है। अभी मैंने इसे ऑथेंटिक कोकोनट चटनी के साथ सर्व किया है। इसकी भी रेसिपी मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगी। अभी जो माप लिया उसे आप 3 लोगों को सर्व कर सको, उतना वड़ा बनकर रेडी होता है। तो एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।